हेलो एंड वेलकम टू कैरेंस फैमिली। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड, आज है वट सावित्री, तो री वट सावित्री टू ऑल ऑफ यू। और मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अब मैं जा रही हूँ पूजा के, सुबह से क्या कुछ किया वो देख लीजिए आप लोग। एंड मेरी साड़ी और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा। कुछ इस तरीके की साड़ी पहना हुआ है मैंने। एंड सिंपल सा लुक रखा है मैंने, क्योंकि बाबू भी जग गया और जल्दी से मुझे करना था। सो देख लीजिए। सो हेलो एवरीवन, मैंने नहा लिया है और मैं जा रही हूँ पुए बनाने के लिए। एंड पुए बनाऊंगी और उसके बाद पूरी तैयारी कर ली हूँ। कुछ कुछ तैयारियाँ मैं कर ली हूँ अपनी, जैसे फ्रूट रखना। सो फ्रेंड, यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली है मैंने और मेरा वीडियो यहीं से स्टार्ट हुआ था नहाने के बाद से, बट इंट्रोडक्शन मैं तैयार होने के बाद दे दी। और यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रस्म होती है मेरा बारा, चने की दाल के ऐसे कूड़े बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और इसको कुएँ के मतलब जगत जो होती है ना उसके उसमें बहाया जाता है। बट मेरे को यहाँ पर नहीं था तो मैं अपने बालकनी में ही कर दी थी। सो ये रस्म भी मैं कर ली और यहाँ पर मैं बना ली हूँ अपने पुए और रेडी हो गए हैं सब कुछ, और सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद मैं रेडी हुई थी, फिर रेडी होने के बाद मैं इंट्रोडक्शन दी, तो इंट्रोडक्शन मैं पहले लगा दी। सो सारे मतलब मैं साफ़ कर ली अपने बर्तन वर्तन, जो मुझे ज़रूरत का सामान था, श्रृंगार का सामान था, नारियल जो भी था, मैं सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली। और देख लीजिए, ये बांस की पंखी है जो हमारे यहाँ ज़रूरी रहती है, इसको हमने अपने हाथों से आलता से रंग दिया है अच्छे से, कमल राखी और इधर जय माता दी लिख दिया है मैंने, और कुछ इस तरीके से। और पैरों में भी आलता लगा लिया था मैं, और लगा ली थी मैं। और उसके बाद अब मैं सिर्फ रेडी होने को बाकी थी। तो देख लीजिए, अब मेरा फाइनल लुक, यहाँ पे मैं रेडी हुई हूँ। उसके बाद मैं रेडी हुई थी और यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता रही हूँ कि मैं सिंपल सा लुक रखी थी। बाबू भी जल्दी से जग जाता, समथिंग 8-9 बज गए, मतलब 9-9:30 हो गए थे तैयार होते होते, काम करते करते अकेला ही सब करना पड़ रहा था, और नींद से भी नहीं उठी थी, पूरी आँखें सूजी हुई थी। और अब मैं पहुँच जाऊँगी यहाँ पर, देखेंगे आप लोग पूजा स्थल पर। और यहाँ पर मैं सारी तैयारियाँ कर ली हूँ और लेडीज़ अपना पूजा स्टार्ट कर चुकी थी, तो मैं यहाँ पे फिर से फास्ट फॉरवर्ड मोड में दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। और इसके बाद मैं लूँगी परिक्रमा, और धागे से भी लेते हैं परिक्रमा और शायद चने के दाल से भी लेते हैं, मुझे जैसा जितना पता था उतना मैं अपने हिसाब से कर रही थी, मम्मी से भी पूछी थी मैं, तो और लोग भी अपनी अपनी पूजा कर रहे थे और मैं भी कर रही थी। हम लोग तीन लोग किए थे, मतलब तीन चार लोग साथ में किए थे स्टार्ट, और कथा वगैरह पढ़े थे। और क्या होता है, मेन मेरे यहाँ 12 पुए बनते हैं और 12 छोटे छोटे आटे के गुलगुले बनते हैं, उनको चढ़ाया जाता है, और कच्चे सूत्र से मतलब फेरी लगाई जाती है, और उसके बाद दाल के मतलब हाथ में लेके शायद परिक्रमा करते हैं, तो मैं भी वही कर रही थी। और बाकी लोग अपना उनका हो गया था तो वो लोग खड़े हुए थे। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंस रहा था पैर में, ये रखा हुआ था बैठने वाला तो मेरे पैर में फंस गया था, तो बिछिया शायद मेरी मतलब फंस गई थी। उसके बाद मैं कर लूँगी, और सब अपना फ़ोटो सेल्फी ले रहे थे। छोटा सा वृक्ष था, बहुत ही प्यारा, और जैसे कि पता है लॉकडाउन है एंड कोरोना है, तो ज़्यादा मतलब भीड़ उड़ नहीं थी, बस जो जिनको पूजा करना था वही लोग थे। और यहाँ पे मतलब इतना अच्छा मौसम था आज का ना, मतलब जिस पूजा करते समय, और फिर धीरे धीरे धूप चढ़ने लगी थी तो सिर भी दुखने लगा था, और मतलब लेकिन प्यारा मौसम था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ, मेरे यहाँ ना कच्चे सूत्र का मतलब 12 गांठ लगाते हैं और उसको फिर हाथ में पहनते हैं, तो वही मैं अपना गांठ लगा रही थी, बना रही थी वहाँ पर बैठ के, तो सूट हो गया, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे शायद अब हो रही है मतलब कथा हो गई थी, कथा मैंने मोबाइल से पढ़ा था तो कथा के टाइम का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सत्यवान और सावित्री की जो
कथा होती है वो मैंने पढ़ लिया था, और तब रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि तब मैं अपने फ़ोन से ही पढ़ रही थी। और इसके बाद होगी आरती, आप लोग देखेंगे। और आप लोगों के यहाँ किस तरह से मनाया जाता है वट सावित्री, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और कैसा लगा मेरा पूजा ये भी आप लोग बताना। तो मैं लगा ली हूँ अपारा गांठ, और उसके बाद मैं कर लेती हूँ आरती। और फिर अब जला रही हूँ यहाँ मैं आरती की थाल, और जो भाभी लोग थी वो लोग भी सब साथ में थी। तो उसके बाद होगी आरती, और आरती के टाइम में कई लोग आ गए थे। आरती होती है कहीं भी पूजा वूजा होता है तो अपन, ऐसा हिंदू धर्म में है ही कि आदमी चलता हुआ इंसान रुक जाता है पूजा देख के। तो यहाँ पे अपनी हो गई है आरती स्टार्ट, और मैं बाल खुल के आई थी बट लास्ट लास्ट में मुझे बाल बांधने पड़े थे क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी, उमस टाइप की गर्मी थी। मौसम तो धूप नहीं था बट वो होने लगा था एकदम से। तो अब यहाँ पे हो गई है आरती स्टार्ट, और बहुत सारे लोग थे, इतना अच्छा लग रहा था ना। पूजा वूजा करो तो वैसे भी बहुत अच्छा फील होता है, और जब दो चार लोग साथ में रहे ना तो मैं जब से ही मेरी शादी हुई तो सारे व्रत सारे त्यौहार मैं यहीं पे कर रही हूँ। हर चीज़ मेरा यहीं पे हो रहा है, तीज हो कुछ भी हो, हर सारे फंक्शन मैं यहीं पे की हूँ। मम्मी के पास मैं एक भी फंक्शन नहीं कर पाई हूँ। वही अभी मैं, मेरे यहाँ होती है तिल चौथ, उसमें मैं गई थी, बाकी सारे फंक्शन मैं अकेले ही की हूँ। सो जैसा भी मेरे से होता है भगवान का नाम लेके मैं करती हूँ। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ प्यार दीजिएगा। सो फ्रेंड, अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ चाय वगैरह पीने और चेंज करूँगी। और बाबू भी परेशान हो गया है तो इनके लिए भी थोड़ा सा कुछ करूँगी। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय।